और Now I'd like to invite here another Arora for Sabina Roshan. District ka naam roshan kare aur har ek jo bhi drugs ke yuva kendra sangathan. So in the outset, since this is the largest economy, हमारी बदकिस्मती है यहाँ पे नेहरू केंद्र जो है यहाँ पे उसके लिए ऑफिस नहीं खोला गया है ताकि इन स्कीम्स का जो है बाकी यूथ इनसे सेटिस्फाई हो जाए, उनसे लाभ ले सके. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है ऐसी कोई भी स्कीम गांधरबल में जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपरली इनको इनका अवेयरनेस मिले. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या अपॉर्चुनिटी बच्चों को देती है, जैसे हमारा यूथ हॉस्टल भी है, यूथ हॉस्टल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी दी है हर एक बच्चे को, वहां पर कार्ड देके अपना एक कार्ड बनाएगा, वो लाइफ लॉन्ग कार्ड है, वो किसी भी एज पर इंप्लीमेंट हो सकता है और वहां पर इसको बेहतरीन सस्ते से सस्ते में अकोमोडेशन मिल जाएगी और इसका दो दिन का या तीन दिन का दिल्ली में रहना बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पर. और ऐसे ही डिफरेंट स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से हमारे स्कीम होती है इन बच्चों को फ्री टूर कराना, यहां से ले जाना दूसरे देशों में और वहां पर देखना कि वहां के बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनका खाना पीना कैसा है, वो कहां पर है आपसे आगे, उनके साथ आप बातचीत कीजिए और देखिए हम कहां हैं और हमारे जो सिक्योरिटीज हैं उन वो बच्चे कहां पहुंच गए हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम भी रखा है बच्चों के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ गांधरबल के बच्चों को उसमें टैग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गांधरबल में हमारा नेहरू युवा केंद्र एस्टैब्लिश नहीं है. मेरी दरखास्त यही रहेगी गवर्नमेंट से जल्द जो जो हमारे नए 8 डिस्ट्रिक्ट बन गए J&K में उनमें से ये नेहरू युवा केंद्र आ जाए ताकि ये बच्चे इनको अवेयरनेस आ जाए प्रोग्राम्स के बारे में या जो स्कीम्स के बारे में हम अवेयरनेस देते हैं, इसमें इन बच्चों को भी वो अवेयरनेस मिले जो दूसरे बच्चों को मिले.